कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह वडोदरा में पारिवारिक अवसर पर हाजिरी देने के लिए आज वडोदरा के मेहमान बने थे, जहां मीडिया के साथ रूबरू होते हुए कश्मीर के मुद्दे आप सहित आने वाले विधानसभा चुनाव अंतर्गत कई मुद्दों पर चर्चा करने के साथ जानकारी दी गई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पारिवारिक अवसर के लिए आज वडोदरा में मेहमान बने थे, जहां मीडिया के साथ रूबरू होते हुए दिग्विजय सिंह ने अजगर रूपी महंगाई ने देश में हाहाकार मचाने के साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर देश में संकट लाने वाली है वगैरह कई मुद्दों पर चर्चाएं की थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पारिवारिक अवसर पर हाजिरी देने के लिए आज वडोदरा आ पहुंचे थे, जहां दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों के साथ बातचीत में देश में महंगाई ने काफी कोहराम मचाया है तो वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर भी आने वाली है जिसके साथ अब देश और भी संकट में गिरेगा वैसी संभावना व्यक्त की गई थी। तो वहीं कश्मीर के मुद्दे सरकार उनकी बात को ध्यान में ले रही है, उसके अंतर्गत उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वे आभारी है वैसी बात कही गई थी। तो वे तमाम मुद्दों के साथ नेताओं के साथ चर्चा करने के साथ कोशिश निराकरण की लाई जाएगी। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता वैसे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पाटीदार को रखना या नहीं उस सवाल के मुद्दे उन्होंने बताया था कि कांग्रेस के अग्रणी हार्दिक पटेल ने गुजरात में अनामत का काफी बड़ा आंदोलन चलाया था। गुजरात में उनकी लंबे वक्त से मांग हो रही है जिसका फैसला हाई कमांड लेगी। तो वही आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा गया था कि आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, उनको भी हर एक राज्य में चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन चुनाव जीतना उतना सरल नहीं है। सूरत कॉर्पोरेशन में कई सीट जीत चुकी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टी में उनका समग्र राज्य में वर्चस्व बढ़ा है वगैरह कई मुद्दों पर दिग्विजय सिंह ने कई राष्ट्रीय पार्टी पर प्रहार किए थे और आने वाले संभावित समस्या तूफान के बदले में भी चर्चा विचारणा की गई थी। सर आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे आप, किस वजह से आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो निजी आयोजन में आया और सर अभी जो फिलहाल देश की जो हालत है, जो परिस्थिति है, जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें आप टिप्पणी करना कुछ चाहेंगे सर? पूरा देश बड़ा कठिनाई में गुस्से गुजर रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना का प्रकोप आज भी है, थर्ड वेव की तैयारी हो रही है, इसलिए देश संकट में तो है। जिस तरीके से जो आपने बयान दिया था धारा 370 को लेकर, इसके बाद प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक की थी, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आभारी मोदी जी का जो उन्होंने मेरी बात मानी। किस तरीके से? मैंने कहा था कि उनके साथ चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हुई नहीं। लेकिन सर आप तो बोल रहे थे कि 370 पे आपके अगर सरकार आएगी तो सोचेंगे, आप ऐसा बोला था, फिर से रीथिंक तो सोचना शुरू हो गया ना, इसी पे सोच रहे हैं क्या सर ये लोग बैठ के? जब फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं हम 370 के बिना मानेंगे नहीं, महबूब मफ्ती भी कह रहे हैं, कश्मीर के सारे लोग कह रहे हैं, तो ये चर्चा मोदी जी ने शुरू की है, हम आभारी हैं उनके। मदन पाव जी जिस तरीके से जम्मू में अटैक हुआ के बाद ऐसे अटैक बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से बात यही है, बात यही है कि कश्मीर का मसला एक बहुत ही संवेदनशील मसला है और उस पर सभी लोगों से चर्चा होने के बाद ही उसका निराकरण होना चाहिए। सभी लोगों मतलब सर? सब मतलब कश्मीर जम्मू के सारे लोगों से चर्चा होने के बाद ही होना चाहिए। नहीं पाकिस्तान भी सर उसमें नहीं? नहीं देखिए पाकिस्तान को क्या लेना देना, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, ये हमारा निजी मामला है, इंटरनल मामला है। और जब पूरे जम्मू कश्मीर की विधानसभा सस्पेंडेड थी तब ये निर्णय लेना कांग्रेस ने अपने आप में इस मामले में इसका विरोध किया था, बीजेपी पार्टी ने विरोध किया। दिग्विजय जी जिस तरीके से अगले साल जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहीं पर पाटीदार कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी पर पाटीदार का मुख्यमंत्री होने का दबाव बनाना, गुजरात क्या मानते हैं? गुजरात के अंदर आप मानते हैं क्या कांग्रेस को भी जो अध्यक्ष है वो पाटीदार को खड़ा करके काम कर सकते हैं? देखिए हार्दिक पटेल ने काफ़ी बड़ा आंदोलन चलाया था एक नौजवान ने, तो बहुत दिनों से ये मांग चल रही है गुजरात की। अब इस पर कौन पार्टी क्या निर्णय लेती है
उसने मैं कुछ नहीं कह रहा।